प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 साइंस का ही चैप्टर नंबर बेटा आपका 11 है साउंड। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के सीजन बेटा क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। बेटा वेवलेंथ बेटा क्या होती है आपकी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आपका बेटा क्या, यहाँ पर देखिए ये जो आपका आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, आपको उसका क्रस्ट दिखाई दे रहा है, इसकी बीच की डिस्टेंस बेटा क्या होती है आपकी, जो आपकी वेव होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। और बेटा आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट है ना ऑसिलेशन इन ए वन सेकेंड। तो देखिए अभी इसमें बेटा इस वेव में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी टू वेव बन रही है बेटा। कितनी बेटा वेव बन रही है आपकी, आपकी टू वेव बन रही है बेटा कितने सेकेंड में आपका, वन सेकेंड में। तो बेटा वन सेकेंड में जितनी आपकी वेव बनती है उसे क्या बोलते हैं, उसका फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल बेटा फ्रिक्वेंसी क्या आपकी, टू हर्ट्स है ठीक है। तो ये बेटा जब आपकी वेव देखो ऐसे चल रही है बेटा, किस डायरेक्शन में चल रही है आपकी, वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो जब कोई बेटा आपका ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में चलता है, सपोज आपका अगर एक्स वाई जेड किसी में चलता है तो आपका लीनियर मोशन हो गया। तो बेटा क्या होगी उसकी कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी जो आपकी बेटा वेव आपकी चल रही है। देखो जैसे क्या होती है आपकी, जो आपकी लाइट की स्पीड बेटा कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। जो बेटा कहाँ से आती है आपकी, सन से आती है ना, वो आपके देखो इस तरह से आपकी आती है, वेव की फॉर्म आपकी आती है। तो उसकी बेटा वेलोसिटी आपकी कितनी की आपकी है, 3 × 10⁸ होती है। तो वही हमको बेटा बताना है बेटा यहाँ पर आपका। तो बेटा यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, स्पीड बेटा किसके इक्वल आपका होता है, आपका वेवलेंथ और बेटा फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका होता है ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, आपका स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बेटा यहाँ पर क्या होगी बेटा, वेव की लेंथ, वेवलेंथ लैम्डा, और बेटा अपॉन टाइम पीरियड टी ठीक है, लैम्डा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम का। और बेटा वन अपॉन टी बेटा क्या होता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी आपका होता है ना, वन अपॉन एफ बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, वन अपॉन टी आपका होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका वी क्या निकल गया आपका, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी आपका निकल गया है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimalay.com पे अवेलेबल भी है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।